हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रॉक गार्डन के ऊपर में जा रहे हैं। देखो यहाँ से वाटरफॉल है, और ये वाटरफॉल क्या है ना, ऊपर से आता है, तो ये हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो अभी हम लोग, ये व्यू है चारों तरफ का। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। बहुत ही सुंदर है दार्जिलिंग में। दो पॉइंट तो कंफर्म जाना चाहिए, एक तो रोप वे और एक ये रॉक गार्डन, दोनों यहाँ का सबसे बेस्ट है। बिकॉज यहाँ पे क्या है ना कि नेचुरल ब्यूटी तो मिलेगा ही आपको, साथ ही साथ आपको कुछ अलग मिलेगा, जैसे वाटरफॉल थोड़ा डिफरेंट है ना मतलब। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग, ये सारा नेचुरल वाटरफॉल है। हम लोग बढ़ रहे हैं पहाड़ के ऊपर से, सबसे ऊपर जाने को, वाटरफॉल के सबसे ऊपर में हम जा रहे हैं। बस रास्ता थोड़ा नैरो है, एक बार में दो लोग ही मतलब एक रास्ते पे चल सकते हैं। इतना सुंदर है, वेरी एडवेंचरस इट इज। देखो जगह जगह बैठने के लिए भी ना ये लगे हैं स्टूल, देखो ऐसे लगे हैं, जो पहाड़ चढ़ते थक जाएंगे ना बैठ सकते। देखो मेरा भी सांस फूल रहा है। बस एक ही डिफरेंट है, दार्जिलिंग में कहीं भी जाओ हर जगह ही पहाड़ तो चढ़ना ही पड़ेगा सारे स्पॉट पे। बी रेडी टू क्लाइंब द माउंटेन्स। यहाँ का मॉल रोड, कहीं भी जाओ आपको पहाड़ पे। उसको गार्डन क्यों बनाया था, देखो यहाँ पे क्या है कि ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये गार्डन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। गार्डन तो बहुत ब्यूटीफुल बनाया गया है। दार्जिलिंग में बहुत सारे गार्डन्स हैं, लाइक नाइटिंगल पार्क, और फिर अभी यहाँ पे रॉक गार्डन के पास गंगा मैया पार्क है, बट अभी वो क्लोज हो चुका है क्योंकि यहाँ पे बहुत सी बारिश हो रही है ना। ओह माय गॉड, ज़्यादा थक गई। नाइस नाइस प्लेस। कितना ऊपर जाना होगा, तो बहुत ही ऊपर है, बहुत ऊपर। ये वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।